ऑक्टोपस एलिफेंट, आज का टास्क है मेरी पसंद, साथ देना दोस्तों टिल द एंड। अरे ये क्या, इससे तो रंग बिरंगे बॉल्स निकलने लगी वावा, गुब्बारे जैसी हल्की फुल्की लग रही है, लेकिन इनका क्या करना होगा पता नहीं, छेल सब ऐसे उड़ क्यों रही है। ओ पड़ुम, ये तो पैर यानी नाशपाती है। पड़ुम, अरे ये तो मैंगो यानी की आम है, मेरा फेवरेट, मैंने गर्मियों में खाता हूँ, देखते हैं अगला वाला कौन सा है। पड़ुम, कीवी, ये मेरी बहन को पसंद है। और पड़ुम, और आखिरी वाला है एप्पल यानी की सेब, इसे अंदर डालूंगा तो बाहर आइसक्रीम आएगी, कौन से रंग की आइसक्रीम है, रेड यानी की लाल, अब इसे डाल दूंगा, देखो आ गई, ये है ब्राउन यानी भूरे रंग की आइसक्रीम, ये अब आगे जाता हूँ, पहुँच गया, आप इसे डाल देते हैं, और ये येलो यानी की पीले रंग की आइसक्रीम, और आप इसे भी डाल देता हूँ, अरे वाह आ गई ग्रीन यानी हरे रंग की आइसक्रीम, ये अरे ये तो एक और सेट आ गया, पहला वाला तो मैंने जीत लिया था, ये वाला भी जीत जाऊंगा, चलो शुरू करते हैं। अरे फिर से आ गई है गुब्बारे, ओहो अलग अलग रंग के गुब्बारे हैं, अरे वाह मजा आने वाला है, कितने अच्छे रंग है ना, चलो शुरू करते हैं। पुडुम, ये है ग्रेप्स यानी की अंगूर, और पुडुम, ये है ऑरेंज यानी की संतरा, आप तीसरे वाले की बारी, कूद कूद कर जाऊंगा, और पहुंच गया। पुडुम, ये है ड्रैगन फ्रूट, मुझे ये पसंद है, और पुडुम, ये है ब्लूबेरी, अरे वाह कितने सारे नए फ्रूट्स हैं, अब ये आइसक्रीम बनकर आ गई, ब्लू यानी नीले रंग की, आप इसे भी डाल देता हूँ, और ये पिंक रंग की आइसक्रीम आ गई यानी गुलाबी रंग की, आप कूद कूद कर आगे जाता हूँ, और पहुँच गया, आप इसे अंदर डालता हूँ, ऑरेंज यानी नारंगी रंग की आइसक्रीम, और ये ग्रेप्स भी डाल दिए, ये आ गई पर्पल यानी बैंगनी रंग की आइसक्रीम, बाय बाय। हेलो दोस्तों, मैं कैंडी एलिफेंट, और मेरे पास एक बॉक्स है जिसमें एक ड्राइंग है जो अधूरी है, इसमें रंग भरना है, मेरा नाम है केन, मैं हूँ छोटा सा एलिफेंट, आज की ड्राइंग में है एक फन आकार के नाम सीखेंगे हम, जैसे स्क्वायर यानी चौकोर, शायद पेगो के पास कलर्स होंगे, सुनो पेगो क्या मुझे वो स्क्वायर यानी चौकोर मिलेगा, हाँ हाँ क्यों नहीं, ये लो गैंग, थैंक्स पेगो, अरे ये तो फिट हो गया, ये परफेक्ट है, आज तो प्रिंटिंग में बहुत मजा आ रहा है, ये है रेक्टेंगल्स यानी कि समकोण, हे टीम क्या मुझे इनमें से एक रेक्टेंगल मिल सकता है, हाँ हाँ क्यों नहीं केंट, ये लो, थैंक यू, वाओ अब तो ये भी सेट हो गया, आज तो मैं पतंग उड़ाऊंगा, सारा काम हो गया, बस इन सर्कल्स यानी गोलों को इसमें लगाना है, हे लोग क्या मुझे इनमें से कुछ सर्कल्स यानी गोले दे सकते हो प्लीज, हाँ बिल्कुल केंट, ये लो, थैंक यू, बाय बाय, वाह क्या बात है, अब मुझे इसमें से ट्रायंगल काटना है यानी कि त्रिकोण, अब इसमें लग गया एक ग्रीन ट्रायंगल, बढ़िया, तो हमने आज लगाया है सर्कल यानी गोला, रेक्टेंगल यानी समकोण, ट्रायंगल यानी त्रिकोण, स्क्वायर यानी चौकोर, भूलना मत, अब मैं चलता हूँ दोस्तों, बाय। हेलो दोस्तों, मैं आ गया, आपका छोटा सा प्यारा सा दोस्त कैंडी एलिफेंट, आज हम काउंटिंग सीखने वाले हैं, तो तुम सब तैयार हो तो शुरू करते हैं, मेरा नाम है केंट, मैं हूँ छोटा सा एलिफेंट, आज करेंगे गिनती लर्न, सबकी बारी आएगी लेकिन पहली है मेरी टर्न, अरे वाह इतनी जल्दी सारी फोटोज भी आ गई, कितनी सारी चीजें हैं ना इसमें, इसमें बनाना यानी केले हैं जो मुझे बहुत पसंद हैं, तो चलो सबसे पहले इन्हें गिन लेते हैं, चलो शुरू करें दोस्तों, एक यानी वन, दो यानी टू, तीन यानी थ्री, चार यानी फोर, पाँच यानी फाइव, तो हमारे पास हुए पाँच केले यानी कि बनानास, ये बहुत बढ़िया दोस्तों, अब अगली चीज कौन सी है, कार्स, चलो कार्स को गिनते हैं, चलो काउंटिंग शुरू करें दोस्तों,
एक यानी वन कार। अरे ये कार नहीं है, ये तो पेंसिल है। दो यानी टू कार्स। तीन यानी थ्री कार्स। हमारे पास है तीन कार्स यानी की गाड़ियाँ। हमने जल्दी जल्दी काउंट कर लिया, चलो इन्हें बास्केट में डाल देते हैं। अब अगली चीज कौन सी हो सकती है? हाँ पेंसिल। एक यानी वन, दो यानी टू, तीन यानी थ्री, चार यानी फोर, पाँच यानी फाइव और छह यानी सिक्स। हमारे पास है छह पेंसिल। ये बहुत बढ़िया, इससे मैं लिखूंगा भी और ड्राइंग भी करूंगा। तो अब हमारी बारी है गिफ्ट्स को गिनने की। कितने दिखाई दे रहे हैं? एक यानी वन, दो यानी टू, तीन यानी थ्री, चार यानी फोर। हमारे पास चार गिफ्ट हैं, जो मैं अपने चार दोस्तों को दूंगा। रख दिए बास्केट में। अब गिनना है कि हमारे पास कितनी कैंडीज हैं। चलो, एक यानी वन, दो यानी टू, तीन यानी थ्री, चार यानी फोर, पाँच यानी फाइव, छह यानी सिक्स, सात यानी सेवन और आठ यानी एट। हमारे पास आठ लॉलीपॉप्स यानी कैंडीज हैं। यम्मी यम्मी। चलो अब हम एक और राउंड खेलते हैं, क्योंकि आप सबको बहुत मजा आया मैं जानता हूँ। देखो कितनी सारी चीजें आ गई। ओह कितनी बटरफ्लाईज है यहाँ, गिनो गिनो। एक यानी वन, दो यानी टू, तीन यानी थ्री, चार यानी फोर, पाँच यानी फाइव, छह यानी सिक्स। हमारे पास छह सुंदर सुंदर येलो बटरफ्लाईज हैं। बहुत बढ़िया दोस्तों। तो हमारे पास यहाँ कितने कप्स हैं? एक यानी वन, दो यानी टू, तीन यानी थ्री। अरे वाह, आप तो जल्दी जल्दी करने लगे, क्या बात है दोस्तों, जल्दी सीख रहे हो। चलो अब अगली चीज गिनते हैं, जो है बॉल्स। ये वाली बॉल बास्केटबॉल है। एक यानी वन, दो यानी टू, तीन यानी थ्री, चार यानी फोर, पाँच यानी फाइव, छह यानी सिक्स, सात यानी सेवन, आठ यानी एट। हमारे पास आठ बास्केटबॉल्स हैं। ये हम इतनी सारी बॉल्स का करेंगे क्या? चलो अब क्रेयॉन्स को गिनते हैं, शुरू करो। एक यानी वन, दो यानी टू, तीन यानी थ्री, चार यानी फोर, पाँच यानी फाइव, छह यानी सिक्स, सात यानी सेवन, आठ यानी एट, नौ यानी नाइन, दस यानी टेन। वाओ, हमारे पास दस क्रेयॉन्स है, इससे मैं और मेरे सारे फ्रेंड्स एक साथ कलरिंग करेंगे। अब हमें गिनने हैं कि कितने बटन्स हैं यहाँ पर। एक यानी वन, दो यानी टू, अरे ये तो सिर्फ दो ही है। हमने सारी चीजें गिन ली। ये चलो दोस्तों, एक और लास्ट राउंड हो जाए। देखो देखो चीजें आ गई। सबसे पहली चीज है गाइड्स। तो यहाँ पर कितनी गाइड्स हैं? रेडी, एक यानी वन, दो यानी टू, तीन यानी थ्री, चार यानी फोर। हमारे पास चार गाइड्स हैं। ये क्या बात है, इसको बास्केट में डाल दिया। अब यहाँ पर कितने कपकेक्स हैं? एक यानी वन, दो यानी टू, तीन यानी क्या, थ्री, चार यानी फोर। हमारे पास चार कपकेक्स हैं। ये ओके, तो हमारे पास यहाँ कितनी कीज हैं? देखो देखो, एक यानी वन, दो यानी टू, ओह सिर्फ दो ही चाबियां हैं यानी कि कीज। वाह, तुम तो बहुत जल्दी सीख रहे हो दोस्तों। अब गिनो कि यहाँ पर कितनी हैट्स हैं? हाँ, यहाँ पर तो सिर्फ एक यानी वन हैट है। ये केंट की हैट है। ये अब चलो गिनते हैं यहाँ पर कितने टमेटोज यानी टमाटर हैं।
एक यानी वन, दो यानी टू, तीन यानी थ्री, चार यानी फोर, पाँच यानी फाइव। हमारे पास है पाँच रसीले टमाटर। इसे मम्मी सूप बनाती हैं। ये आज तो बहुत मजा आया। हमने काउंटिंग सीखी और गेम भी खेला। क्या बात है दोस्तों। चलो दोस्तों अब मैं चलता हूँ, फिर मिलूंगा, बाय। मेरा बर्थडे किसी को भी याद नहीं है, मेरे सारे दोस्त भूल गए, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। हे मोमो, तुम्हारा बर्थडे है, तुम पार्टी नहीं कर रहे? नहीं लोग, मुझे नहीं करनी पार्टी वार्टी, मैं घर जा रहा हूँ, बाय। अरे मोमो इतना सैड क्यों है? मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना मैं उसके लिए सबसे अच्छी बर्थडे पार्टी प्लान करूं। बर्थडे पर केक तो होना ही चाहिए, इसीलिए मैं मोमू के लिए केक बना रहा हूँ। यम्मी स्ट्रॉबेरी केक। आहा, ये बन गया। मुझे पता है मोमू को बहुत पसंद आएगा। मेरा पिंक यानी गुलाबी केक अच्छा लग रहा है ना? क्या बात है, यम्मी केक। क्या मैं इसे खा सकता हूँ? नहीं केंट, ये केक मोमू के लिए है। ये लो, ये बलून्स यानी गुब्बारे फुलाओ। मेरा नाम है केंट, मैं हूँ छोटा सा एलिफेंट। बर्थडे मनाएंगे टिल दी एंड, मजे करेंगे मिलके मेरे फ्रेंड। हेलो दोस्तों। अरे वाह, कितनी सुंदर डेकोरेशन हुई है। मैं पार्टी के लिए ऑरेंज यानी कि नारंगी पार्टी हैट लेकर आया हूँ। अरे वाह, कितनी सुंदर हैट है। ये सारा काम हो गया। अरे देखो मोमू आ गया। सरप्राइज। वाओ, ये तो बहुत अमेजिंग है। ये रहा तुम्हारा गिफ्ट मोमू, ग्रीन यानी हरे रंग का। ये आज बहुत मजा आया, हमने कई चीजों के नाम सीखे, जैसे गुलाबी केक, नीले गुब्बारे और टिम ऑरेंज यानी नारंगी हार्ट्स लेकर आया, और हम सब ने उसे ग्रीन यानी हरे रंग का गिफ्ट बॉक्स दिया। उम्मीद करता हूँ तुम्हें पसंद आया। हैप्पी बर्थडे। केंट को सुबह सुबह बहुत निन्नू आती है, उससे स्कूल जाने के लिए उठा नहीं जाता, लेकिन जाना तो पड़ेगा ही। ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए और गाना गाना चाहिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है केंट, मैं हूँ छोटा सा एलिफेंट। आज है मंडे का दिन, जिसे बैग सेट करके करते हैं बिगिन। ओह, ये रहा मेरा स्कूल बैग। अरे सारा सामान कहाँ चला गया, ये तो खाली है। जल्दी जल्दी इसे सेट कर लेता हूँ, वरना मेरी स्कूल बस मिस हो जाएगी। दोस्तों क्या मेरी मदद करोगे इसे सेट करने में? मेरी पेंसिल कहाँ है? ढूंढो ढूंढो ढूंढो, कहीं दिखाई दे रही है? दिख रही है क्या? बोलो बोलो। हाँ वो रही, मिल गई। अब क्या है? अब ढूंढना है मेरा लंच बॉक्स। मेरा लंच बॉक्स कहाँ हो सकता है? क्या आपको कहीं दिखाई दे रहा है? मुझे तो नहीं दिख रहा। हाँ वो रहा, मेरा प्यारा लंच बॉक्स। अगली चीज है क्रेयॉन। मुझे क्रेयॉन से कलर करना बहुत अच्छा लगता है। क्या आपको मेरे क्रेयॉन्स कहीं दिखाई दे रहे हैं? बोलो बोलो। हाँ वो रहे बेड पर, ये भी डाल दिया। अगली चीज है मेरी वाटर बॉटल। हमें पानी पीते रहना चाहिए हाइड्रेट रहने के लिए। और कहाँ है मेरी बॉटल? वो रही, मिल गई मेरी वाटर बॉटल। पानी पीते रहना दोस्तों। अब अगली चीज है मेरी बुक्स यानी किताबें। कहाँ होंगी? ये तो बॉल है, ये भी नहीं। हाँ वो रही। चलो इन्हें भी बैग में डाल देता हूँ। अगली चीज क्या है दोस्तों, बताओ बताओ। हाँ ये मेरी बॉल है, कहाँ होगी ये? नहीं ये तो टेडी है। हाँ वो रही, मेरी बॉल। बहुत बढ़िया दोस्तों, तुमने मेरी बहुत मदद की, मुझे अपनी स्कूल बैग की सारी चीजें मिल गई। पेंसिल, लंच बॉक्स, क्रेयॉन्स, वाटर बॉटल, बुक्स और बॉल, ये सारे जाएंगे मेरे बैग में। डाल दिए। अब मुझे टीचर से डांट नहीं पड़ेगी, अब मैं जाता हूँ स्कूल, बाय। थैंक यू मेरी मदद करने के लिए, फिर मिलेंगे, बाय।
मंडे टीनो और बीनू भी हैं। आज मेरे और मंडे के बीच एक जबरदस्त फुटबॉल मैच होने वाला है और देखना मैं ही जीतूंगा। देखो कैंट गिर गया, तुम मेरी बात मत दोहराया करो। ओके कैंट, रो मत, बहुत चोट लगी है क्या? ऐसे तो कोई भी बच्चा प्लेग्राउंड में गिर सकता है, हमें कुछ सोचना होगा। आइडिया, ये लो कैंट, तुम्हारे लिए कुछ है। फुटबॉल फील्ड का मैप, ये तो कमाल का आइडिया है। हमें ये बना लेना चाहिए ताकि फिर से कोई ना गिरे। हाँ, है ना, मजा आएगा। सबसे पहले हमें ग्राउंड को साफ करना है। शुक्रिया टीनू। उसके बाद किनारों पर गोल पोस्ट लगा देते हैं। शुक्रिया बीनू। फिर हम लगा देंगे स्टैंड्स। अमेजिंग। और अब आखिर में पेंट का काम करेंगे मंडे और मैं, यानी केन। लेकिन इस काम में टीनू और पीनू भी मदद करेंगे। ये चलो चलो, लगाओ लगाओ, क्या बात है। चलो मंडे, दिखा दो अपना कमाल। क्या बात है, और ये हो गया। अब हम खेल सकते हैं। चलो चलो, आ जाओ सब। मेरा नाम है केंट, मैं हूँ छोटा सा एलिफेंट। आज मैं हूँ दोस्तों के संग, और यहाँ चल रहा है मैच रंगारंग। अब मैं चाहे कितनी भी तेज भाग लूं, मुझे चोट नहीं लगेगी, क्योंकि हमने फील्ड को साफ कर दिया है। आप लोग भी जहाँ खेल रहे हो उस जगह को चेक कर लेना। मंडे के पास बॉल आते हुए, मंडे गोल की तरफ जाते हुए, और ये मारा गोल। क्या बात है मंडे, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। अगली बार फिर से मिलूंगा दोस्तों, बाय। बहुत गर्मी है, कैसे खेलेंगे? केंट और मंडे क्या कर रहे होंगे, उन्होंने तो खेलना भी शुरू कर दिया होगा। मुझे नहीं लगता कि हम खेल पाए। क्या हुआ केंट? वो देखो कितनी गर्मी है टीनो बीनो, कैसे खेलेंगे? ये तो मुश्किल हो गई। पसीना आ रहा है। आइडिया, बस देखते जाओ और बीनू मेरी बात को दोहराना बंद करो। क्या है, दिखाओ। ओ, ये तो पूल का नक्शा है, तो क्या हमें एक पूल बनाना चाहिए? वाह, क्या बात है। तो चलो काम शुरू करते हैं। चलो अपनी हैट्स पहन लेना। बीनू तुम वहाँ से काम शुरू करो। okay. तुम वहाँ से, और okay. मैं आप देखूंगा। पहले मंडे हमारे साथ नहीं खेलता था, हमेशा चुपचाप रहता था। मेरा नाम है केन, मैं हूँ छोटू सा एलिफेंट। आज का दिन है बहुत गर्म, खेलेंगे नहीं तो आएगी शर्म। टीनू बीनू ने दिया आइडिया कूल, कहा कि आज हम बनाएंगे पूल। काम में लग गए हम सब जन, और पूल हो गया चुटकियों में डन। मेरा नाम है केन, मैं हूँ छोटू सा एलिफेंट। आज का दिन है बहुत गर्म, बारिश के बाद बजाएंगे ड्रम। टीनू बीनू ने दिया आइडिया कूल, कहा कि आज हम बनाएंगे पूल। काम में लग गए हम सब जन, और पूल हो गया चुटकियों में डन। पूल में जाके हम करेंगे डाइव, और उसके बाद एक दूसरे को देंगे हाई फाइव। खूब खेलो, क्योंकि ये गर्मियों का महीना, डिहाइड्रेशन ना हो इसलिए पानी जरूर पीना। ये चलो अब पानी में कूदते हैं, कूदो। वाह, मजा आ रहा है, ठंडा ठंडा पानी है। अरे वाह टीनू, तो हमारे लिए गेंदे लेकर आ रहा है। ये अब तो और भी मजा आएगा। अरे वाह, ये तो फ्लोट है, यूनिकॉर्न वाली फ्लोट। नहीं, मुझे चाहिए, मुझे, मैं खेलूंगा इससे। ठीक है। मैं दूसरा ले लेता हूँ। ये हम तो मजे कर रहे हैं, आप भी मजे करना भूलना मत दोस्तों। आपसे बाद में मिलेंगे, बाय बाय। दोस्तों मैं आ गया, आपका छोटा प्यारा सा दोस्त कैंटी एलिफेंट। आज बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि मैं और मंडे टीनू मीनू के साथ प्लेग्राउंड बनाने वाले हैं। इसके बाद हम सब मिलकर उसमें खेलेंगे। मेरा नाम है केंट, मैं हूँ छुटकू सा एलिफेंट। मैं करता हूँ सबको एंटरटेन, आओ बनाए प्लेग्राउंड मेरे फ्रेंड। तो चलो शुरू करें। सबसे पहले मैं और मंडे टाइल्स लगा रहे हैं, उसके बाद झूले लगाने का काम करेगा टीनू, क्योंकि वो भारी सामान आसानी से उठा सकता है। जब एक बार ये झूलों वाला पार्क बनकर तैयार हो जाएगा तो हम खूब खेलेंगे। लेकिन हम अपना काम करके ही खेलने आते हैं, अपना सारा होमवर्क खत्म करके, फिर मम्मी हमें खेलने की परमिशन दे देती है। अरे वाह, सारे झूले तो लग गए। इसके बाद हमें पार्क को सजाने का काम करना है। अरे वाह, क्या बात है। अब टीनू स्विंग को लगा रहा है,
जल्दी से दूसरा वाला भी उठा लाओ। हाँ आ जाओ रख दो। ये हो गया। अरे मंडे तुम तो अभी से मेरी को राउंड पे चढ़ गए। रुको मैं भी आता हूँ। ओह अब बारी है सुंदर सुंदर तारों से पार्क को सजाने की। कितने सुंदर लग रहे हैं ना। वाओ हमें अब जल्दी से खेलना है। चलो खेलते हैं। थैंक यू सो मच तुम सबने बहुत अच्छा किया। अब केन स्लाइड पर जा रहा है फिसलने के लिए और वी बहुत मजा आया। अब बारी है स्विंग की। मैं ज्यादा तेज हूँ। आज का दिन कितना अच्छा है। गोल 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 दोस्तों ने मेरी बहुत मदद की। इनके बिना नहीं कर पाता। चलो बाय टाटा फिर मिलेंगे। और आज मैं आपको घर के बारे में कुछ सिखाऊंगा। मजा आएगा। मेरा नाम है केंट। मैं हूँ छिटकू सा एलिफेंट। हम नहीं देते घर का रेंट। पापा ने खरीदा है नया घर रीसेंट। तो चलो शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हमने घर का स्केच बना लिया। अब हम एक एक करके इसकी चीजें बनाना सीखेंगे। सबसे पहले हमें क्या लगाना चाहिए। हाँ पहले फाउंडेशन लगा लेते हैं। और ये लग गया। उसके बाद हम दीवारें सेट करेंगे और फिर इसे पेंट भी करेंगे। मुझे येलो यानी पीला रंग बहुत पसंद है। अच्छा लग रहा है ना। अब रूफ यानी छत लगा देता हूँ और इसे भी पेंट कर दूंगा रेड यानी लाल रंग से। घर अच्छा लग रहा है ना दोस्तों। चलो अब बताओ कि हम किस चीज से घर के अंदर जाते हैं। हाँ डोर यानी दरवाजा। डोर को भी पेंट कर देता हूँ। अब सामने दो विंडोज लगा देते हैं यानी कि खिड़कियाँ, ताकि हवा और धूप अंदर बाहर आ जा सके। अब क्या लगा सकते हैं। हाँ सीढ़ियाँ लगा देता हूँ। ऊपर चढ़ने में आसानी होगी। और उसके बाद चिमनी लगा देता हूँ। बहुत सुंदर लग रहा है मेरा घर। इसके बाद मैं क्या लगा सकता हूँ। हाँ पौधे लगा देता हूँ ताकि हमें अच्छी ऑक्सीजन मिल पाए, है ना दोस्तों। और उसके बाद पेड़ भी लगा देता हूँ। वाओ मेरा घर कंप्लीट हो गया और कितना सुंदर लग रहा है ना। चलो अब मैं घर जाता हूँ। बाय बाय सी यू। हेलो दोस्तों मैं आ गया आपका प्यारा सा छिटकू सा दोस्त कैंडी एलिफेंट। आज का दिन कितना अच्छा है ना। आज मैं केक बनाने वाला हूँ। मेरा नाम है केंट। मैं हूँ छिटकू सा एलिफेंट। बेकिंग की क्लास मैंने की है अटेंड। शेयरिंग से दोस्त ना होंगे ऑफेंड। ये बढ़िया खुशबू किस चीज की आ रही है। बेकिंग हो गई। ये है। इसे और भी मजेदार बनाने के लिए इस पर थोड़ी सी चॉकलेट आइसिंग लगा देता हूँ। यम्मी आ जाओ लुक मैं केक बना रहा हूँ। देखो देखो ये होने वाला है। और हो गया। बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। चलो चले। क्या हमें भी खाने को मिलेगा। हाँ सबको मिलेगा। मुझे थोड़ा केक चाहिए। मुझे भी थोड़ा चाहिए। केक तो मुझे भी चाहिए। दोस्तों हमें चीजें शेयर करनी चाहिए तो चलो इसे बराबर हिस्सों में बांट लेते हैं। पर इसे काटो कैसे कि सबको बराबर मिले। हम चार लोग हैं ना तो इसे चार हिस्सों में काट लेता हूँ। एक टुकड़ा मोमो को, एक लुक के लिए, एक टीम के लिए और ये आखिरी वाला होगा मेरे लिए। अब हम सबको बराबर हिस्सों में केक मिल गया है। और याद रखना दोस्तों शेयर करने से प्यार बढ़ता है और शेयरिंग इज केयरिंग। बाय। हेलो दोस्तों मेरा नाम है केंट। मैं हूँ छोटा सा एलिफेंट। मैं हूँ अंडर द सी मेरे फ्रेंड। बड़ा मजा आएगा देखना जल्दी है। चलो सी एनिमल्स काउंट करें। ये है एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस। अरे वाह ये थी 10 बेबी शार्क्स। कितनी क्यूट थी ना। अब देखते हैं कि ये वाली मछलियाँ कौन सी और कितनी है। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस। ये वाली मछलियाँ भी 10 है। ये है क्लाउन फिश। अब देखते
देखते हैं कि जेलीफिश कितनी है। चलो गिनती शुरू करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अरे जेलीफिश भी 10 है। समंदर के अंदर गिनती सीखने में और इन प्यारे जानवरों को देखने में बहुत मजा आया। अभी मैं जाता हूँ, फिर मिलेंगे, बाय। ला 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 ला। ओ, हेलो दोस्तों, मैं आ गया, आपका प्यारा सा छोटा सा दोस्त गिनती एलिफेंट। आज मैं खड़ा हूँ अपने गार्डन यानी बगीचे में। मेरा नाम है केंट, मैं हूँ छोटा सा एलिफेंट। फूल है हमारे सबसे अच्छे फ्रेंड, हम इनके नाम सीखेंगे टिल दी एंड। मुझे गार्डन में रहना बहुत पसंद है, तो चलो शुरू करें। देखो देखो, यहाँ मेरे पास क्या है, ये फ्लावर्स यानी फूलों से भरी एक बास्केट है। दोस्तों, इसमें जो फूल है उनके नाम जानते हो? गेस करो क्या हो सकते हैं। अच्छा चलो मैं बताता हूँ। तो क्या तुम लोगों को ये बड़े से सन यानी सूरज जैसा नहीं लग रहा? बोलो बोलो। तो ये कौन सा फूल हो सकता है? क्या ये ट्यूलिप है? नहीं। रोज है? नहीं। सनफ्लावर? हाँ, ये तो सनफ्लावर है यानी सूरजमुखी। मुझे ये बहुत पसंद है। अब बताओ ये वाला फूल कौन सा है? ये तो लाल रंग का है। क्या ये लोटस है? नहीं। लिली है? नहीं, ये भी नहीं। तो क्या ये ट्यूलिप है? नहीं। तो ये क्या है? हाँ, ये रोज है। इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। अब देखते हैं अगला वाला कौन सा है। सुंदर सा फूल है ना, पर है कौन सा? क्या ये डेजी है? नहीं। तो क्या ये लोटस है? नहीं। रोज? नहीं, वो तो हमने ढूंढ लिया। ये लिली है। हाँ। अब बताओ ये कौन सा फूल है? चलो चलो गेस करो। क्या ये डेजी है? नहीं। क्या ये सनफ्लावर है? नहीं, वो तो ढूंढ लिया। रोज भी नहीं है, वो भी ढूंढ लिया। ये है लोटस, हाँ, यानी कि कमल का फूल। अब मेरी टोकरी में और कितने फूल बचे हैं दोस्तों? देखते हैं कितने बचे हैं। अच्छा बताओ ये वाला फूल कौन सा है? बताओ बताओ, मैं तो जानता हूँ। तो क्या ये डेजी है? नहीं। क्या ये लिली है? ये है ऑर्किड। अरे हाँ, ये तो ऑर्किड है। कितना सुंदर है ना? और ये केंट का फेवरेट फ्लावर है। टिरिंग टिरिंग टिरिंग। अब बताओ ये वाला फूल कौन सा है? बताओ बताओ, सनफ्लावर तो नहीं लगता, लोटस भी नहीं है, लिली? ना, मैं जानता हूँ, ये है डेजी। दोस्तों, आज हम सब ने फूलों के नाम सीखे, बहुत मजा आया। अगली बार कुछ और सीखेंगे। हमें सीखने में कितना मजा आता है ना? अगली बार कुछ और सीखने के लिए मैं फिर से मिलूंगा, बाय। तब तक अपना ध्यान रखना। आप देख रहे हैं आपका फेवरेट छोटा